स्मार्ट सिटी की खबर पर हम जाएंगे 10:30 बजे विज्ञान भवन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। लेकिन इस सब के बीच सरकार के लिए जो मुश्किल है वो है वसुंधरा राजे का सवाल, और वसुंधरा राजे के लिए मुश्किल है ललित मोदी का सवाल। ललित मोदी पर सवालों से वसुंधरा राजे बच रही है। जयपुर में एक पुलिस कार्यक्रम में जब हमारे सहयोगी चैनल इंडिया टुडे के संवाददाता संकेत उपाध्याय ने वसुंधरा राजे से ललित मोदी मामले पर सवाल पूछने की कोशिश की तो वसुंधरा के सुरक्षाकर्मियों ने संवाददाता को रोक दिया और सवाल नहीं पूछने दिया। वसुंधरा जी, Just see the way the media is actually being stopped from doing its duty. Look at the amount of force that has been slapped on the media at this moment. Look at the way journalists are actually being held at this moment, simply because everyone is trying to ask a question from the Chief Minister of Rajasthan, Vasundhara Raje. A question is being asked whether this is a case of impropriety. Look at the way we are being directed, hushed into one corner. That's actually the way the Rajasthan Chief Minister has actually chosen to deal with this particular controversy. She's not willing to speak. She is willing to brazen it out and also make an attempt to silence anyone who wants to raise a question on this particular issue. In Jaipur, Sanket Upadhyay for India Today. दरअसल सवालों का गला घोटने से कभी भी सवाल शांत नहीं होते, सवालों को चाहिए जवाब। वसुंधरा राजे जवाब नहीं दे रही हैं, इस वजह से विवाद और तूल पकड़ रहा है। हालांकि जिस तरीके से ललित मोदी ने स्पष्ट कर दिया था लंबे रिश्तों को, और उसके बाद एक ऐसे दस्तावेज का जिक्र उन्होंने कर दिया था जिस पर वसुंधरा ने पहले ये कहा कि उनके हस्ताक्षर उस पर नहीं थे, और बाद में इस तरह की बातें सामने आई थी कि याद नहीं है कि हस्ताक्षर किए थे या नहीं किए थे, समर्थन किया था या नहीं किया था। कल कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो दस्तावेज सबके सामने रखे थे, और उसके बाद लाजमी है कि ये सवाल उठेंगे कि वसुंधरा राजे ने अगर ऐसा किया था तो किस आधार पर। Impropriety. Look at the way we are being directed, hushed into one corner. That's actually the way the Rajasthan Chief Minister has actually chosen to deal with this. Sanket Upadhyay हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं सीधे जयपुर से। संकेत, सवाल पूछने के बाद ऐसा हुआ था या सवाल पूछने के दौरान इस तरीके की हरकत हुई? क्योंकि तस्वीरों में जो हम देख रहे हैं उसमें आपको एक किनारे देख रहे हैं और उसके बाद आप कोशिश कर रहे हैं कि उतनी दूरी से ही सवाल पूछी जाए। बिल्कुल, मतलब यहाँ पर पूरी एक तरीके का सुरक्षा नेट तैयार किया था। मैं आपको दिखा दूँ हम लोग कहाँ खड़े थे। यहाँ खड़े थे हम लोग, और यहाँ पर चीफ मिनिस्टर की, मुख्यमंत्री की गाड़ी थी। वीडियो जर्नलिस्ट आपको दिखाएंगे। ये देखिए इतना फासला है, ये मेरे ख्याल करीब 10-15 मीटर का फासला है, जो कि अब राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने एक तरीके का ऑर्डर घोषित कर दिया है, और किसी भी वक्त 50-60 पुलिसकर्मी जो हैं वो मीडिया के लिए तैनात हो गए हैं। हर एक जो रिपोर्टर है उस पर 2 पुलिस वाले राजस्थान की पुलिस ने लगाए। अब हुआ ये कि जब वो बाहर आई लाजमी था कि हम लोग सवाल पूछेंगे। सवाल हमने पूछा भी और हम लोगों को पीछे ढकेल दिया। बात ये नहीं है, बात ये है कि आज तक और जो टीवी टुडे नेटवर्क है वो वसुंधरा राजे को एक मौका देना चाहता है कि वो अपना भी पक्ष रखें। कितना सारा प्रमाण उनके खिलाफ आ रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो दस्तावेज जिस पर उन्होंने एक तरीके से बोल दिया मुझे याद नहीं है कि मैंने सिग्नेचर किया है नहीं, वो दस्तावेज आ गए 12 घंटे पहले, हम लोगों ने टीवी टुडे नेटवर्क पे दिखाए हैं। अब जो है एक तरीके से एक जो स्ट्रेटजी उन्होंने अपनाई है वो ये है कि कर लो जो कर सकते हो, मैं नहीं हटूंगी, मैं जो है इसको आई विल, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं ब्रेजन इट आउट, हम इसको लड़ के दिखाएंगे। और अगर ज़्यादा हुआ तो उनके जो MLAs हैं, उनके जो विधायक हैं, उनकी परेड भी करवाई जा सकती है केंद्रीय नेताओं के सामने। तो ये ऐसा हो रहा है राजस्थान में, ये वो राजस्थान है जो मान मनोहार के लिए जाना जाता है, लेकिन पत्रकारों का कोई मान मनोहार नहीं होता। बहुत शुक्रिया संकेत उपाध्याय इस पूरी बातचीत के लिए। तो वसुंधरा राजे सवालों से बच रही हैं, लेकिन आखिर कब तक? क्या पार्टी आलाकमान दिल्ली में उनसे इन सवालों के जवाब नहीं चाहता, जिनके मीडिया भी चाहता है? अभी